दोस्तों बिना सिबिल स्कोर का पर्सनल लोन आप लोगों के सामने मेरा मोबाइल स्क्रीन है। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि जब तक आप लोग प्रूफ नहीं देखते हैं ना विश्वास नहीं करते। तो यहां पे देखिए बिना सिबिल स्कोर का मैं पर्सनल लोन ले रहा हूं। यहां पे देखिए 3951 रुपया जो है लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। टोटल जो यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा वो 5632 रुपया, ठीक है। यहां पे इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, पहले ही बता रहा हूं। अब कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आप लोन लेना चाहते हैं जीरो सिबिल स्कोर पर, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोन डिफॉल्टर हैं। कंपनी को भी पता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, यानी कि किसी कंपनी से आपने लोन लिया, पैसा का रिपेमेंट नहीं किए, तो कंपनी अपने रिस्क पर लोन प्रोवाइड करवाएगा, तो बेसिक बात है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 100% श्योर है कि लोन आपको मिलेगा। कैसे करके अप्लाई करना है, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कितना दिन के लिए लोन मिलेगा, कंपनी का जो है डाउनलोड क्या है, रेटिंग क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बेलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे भाई हैं, वो हमें कमेंट करता है कि सर हमें लोन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसे मिलता है। तो देखिए सबको लोन मिलेगा भैया, मैं भी अप्लाई करता हूं एप्लीकेशन पर, आपको भी अप्लाई करना है एप्लीकेशन पर। लोन मिलना तो तय है, लेकिन आप उसके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मिलेगा, लेकिन अगर आपका जो क्राइटेरिया है वो मैच ही नहीं कर रहा है कंपनी के क्राइटेरिया में, तो कैसे लोन मिलेगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को सही से देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, और बाद में कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या फील करना चाहिए, कैसे करके अप्लाई करना चाहिए, उस चीज को आप मिस्टेक कर देते हैं और कंपनी लोन आपका रिजेक्ट कर देता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पे देखिए एक एक स्टेप बता रहा हूं, समझते जाइए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। यह वीडियो बेसिकली 5 से 6 मिनट का होगा, लेकिन आपको यकीन मानिए कि 5 से 6 मिनट के अंदर इस एप्लीकेशन के बारे में जो जानकारी मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद इस एप्लीकेशन के बारे में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी जो है मन में जो है क्वेश्चन प्रश्न जो होता है वो नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन का नाम मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर योर पैन नंबर, तो आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है उस नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ अपडेट होता है वो आपको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम पूछा जा रहा है कि मंथली इनकम आपका क्या है। यहाँ पे देखिए इनकम प्रूफ का डिमांड नहीं है, लेकिन मंथली इनकम आपको वही डालना है जो आपका रियल में हो, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आपने जो है यहाँ पे 50,000 डाल दिया, आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, बाद में कंपनी जब पैसा मांग रहा है तो आप बोल रहे हो भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो कंपनी यहाँ पे कहेगा भैया कि तो आपने तो इनकम प्रूफ यहाँ पे बताया कि मेरा तो 50,000 इनकम है, गलती नहीं करना, श्योर जो डाटा है वही डालिए। तो यहाँ पे जो भी आपका इनकम है उसको डालिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिरकार लोन आप क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको पैसे की नीड है, जरूरत है, तो कुछ तो आपके पास कारण होगा ना। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है, पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए, बिजली बिल भरना है, मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो उसको यहाँ पे डालिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और प्रपोजल यहाँ पे डाल दीजिए कि भैया इस कारण से मुझे लोन चाहिए। तो इसको जैसे ही डालेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे है आपका बेसिक काम जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर यहाँ से आपका कुछ भी काम होने वाला नहीं है, यानी कि ई केवाईसी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको डालना है अपना आधार कार्ड का नंबर, उसमें एक 12 डिजिट का नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे सिंपल डालना है। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कैप्चर कोड का, उस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे देखकर यहाँ पे इस जगह में फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, आपको वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसमें आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी को फिलअप कर देंगे, यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हो गया, ई केवाईसी कंप्लीट हो गया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म। अब सिंपल से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये लोन अगर अप्रूवल हो गया तो उसको तो आपको कैश तो मिलेगा नहीं, सिंपल से आपको बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट में अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जो कौन सा बैंक आप यूज करते हैं, स्टेट बैंक हो, ICICI हो, या तो फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ तो होगा, उस बैंक को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। ये इतना काम करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, हो गया भैया आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर। तो ये तो काफी जो है काफी आसान प्रोसेस मैंने बता दिया।
है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो चलिए एप्लीकेशन का नाम सबसे पहले देखिए आप लोग स्क्रीन पे, एप्लीकेशन का नाम क्या है। एप्लीकेशन का नाम स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे गया। अब यहाँ पे डाउनलोड भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन अच्छा है। अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को चेक करने वाले हैं कि कंपनी क्या NBFC से रजिस्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ही कंपनी के अबाउट सेक्शन को हम ओपन किए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं पढ़ के क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए NBFC पार्टनर यहाँ पे है फिंच फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड विथ रजिस्टर बाय NBFC एंड RBI। इनको लाइसेंस मिला है भैया, गवर्नमेंट से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। ये लोन प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस, और इनका जो लोन अमाउंट होता है वो होता है मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 25000। यानी कि अगर आप कम लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा कितना का, 25000 का। लेकिन यहाँ 2000 का, और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 25000 से ज़्यादा ये कंपनी लोन ऑफर ही नहीं करता है। टाइम जो आपको देखने को मिलेगा वो 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में जो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर और सैलरी पर्सन दोनों को लोन दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद यहाँ पे इनका कुछ प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी कह रहा है कि टर्नओवर जो हो सकता है वो 62 दिन का हो सकता है जो टाइम मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो लगेगा वो 36% तक पर एनम के हिसाब से हो सकता है। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट होगा 1% से लेकर 3% पर मंथ के हिसाब से। अप्रूवल फीस यहाँ पे 40% लगेगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो सिक्वल फी है इनका 6% है, और अकाउंट मैनेजमेंट चार्ज यहाँ पे 7% है। मतलब मिला जुला के इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको लोन मिलता है। चलिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट को समझ लीजिए। 10000 का लोन पूरे 3 महीना के लिए अगर आप लेते हैं तो 400 रुपया आपका अप्रूवल फी कट जाएगा। ऑनलाइन फी में आपका 600 कटेगा, और इंटरेस्ट यहाँ पे 514 रुपया कटेगा। जो आपका 10000 का लोन अप्रूवल हो रहा है उसमें से आपको सिर्फ जो है पैसा कितना रिसीव होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि सिर्फ 9000 आपके बैंक अकाउंट के अंदर आने वाला है, और ये आपको 3 किस्त में यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पहला किस्त आएगा आपको 4333, फिर है 4203, फिर 4077। टोटल जो आपको रिपेमेंट करना होगा 12,618। तो यहाँ पर तो आप लोगों को समझ आ गया। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी में कहा गया भैया अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, आपका एज लिमिट 18 साल से प्लस है, और आपका इनकम 15000 है, तो आपको हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया अप्लाई करने का प्रोसेस। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यूज कर सकते हो आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या तो पासपोर्ट, जो आपका है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का आईडी होना चाहिए, उसमें एड्रेस आपका साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद लेना है भैया आपको एक सेल्फी, और दे देना आपका अपना पैन कार्ड का नंबर। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालिए, आपका जो पैसा है सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक्सेस क्या क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कैमरा का एक्सेस है, रीड इंटरनल का एक्सेस है, 2-4 एक्सेस भी आपसे लिया जाएगा, तब जाके यहाँ पे लोन आपको मिलेगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। अब इस बात करते हैं इसका रिव्यू का। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के बारे में कुछ यहाँ पे रिव्यू अच्छा लोगों ने दिया है, कुछ यहाँ पे ख़राब भी रिव्यू दिया हुआ है। मिला जुला के यहाँ पे एप्लीकेशन में अच्छा खराब दो प्रकार का रिव्यू है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे की इमरजेंसी है, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, अन्यथा लोन नहीं लेना है। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी आप लोगों को देना, जो कि मैंने आप लोगों को दिया। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आपको मैं कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ में फ्रेंड अगर आप हमसे पर्सनल में कोई बात या कोई राय देना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।